नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। जरत एक बार फिर से मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई है। पूर्ण बहुमत की सरकार को बाजार ने तो हमेशा से पसंद ही किया है, और ऐसे में विशेषज्ञों का कहना यह है कि मोदी सरकार के नए कार्यकाल में मिड कैप फंड्स में तेजी भी दिख सकती है और जिसका फायदा निवेशक उठा सकते हैं। तो मोदी सरकार 2.0 में क्या हो आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी, मिड कैप फंड्स में निवेश करना कितना सही साबित हो सकता है और किन लोगों के लिए मिड कैप फंड्स जो है वो बेस्ट साबित हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फाइनेंशियल मॉल के सीईओ नीरज चौहान जुड़े हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो चूंकि आज हम मिड कैप फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीरज जी जरा हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या बारीकियां हैं। देखिए पल्लवी, मिड कैप फंड जो होते हैं वो मंझोली कंपनियों में पैसा निवेश करते हैं। कंपनियों को हमने तीन भागों में या चार भागों में विभाजित किया हुआ है। जैसे एक होता है लार्ज कैप, जिसको हम बड़ी कंपनियां कहते हैं, जो कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ी कंपनियां हैं। HDFC बैंक है, HDFC है, रिलायंस है, ये सब बड़ी कंपनियां हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है मिड कैप फंड्स, जो छोटे फंड हैं, उतने बड़े नहीं हैं लेकिन पोटेंशियल रखते हैं एक लार्ज कैप होने का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद फिर आते हैं स्मॉल कैप फंड, जो उनसे छोटे हैं, और उसके बाद फिर आते हैं माइक्रो कैप फंड्स। तो ये चार कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमने इनको विभाजित किया हुआ है और निवेश भी हम इसी हिसाब से उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। से जुड़े आपने तमाम बारीकियां अच्छे से समझ ली, लेकिन अगर आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे हैं मिड कैप फंड से जुड़े या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ और सवाल उठ रहे हैं तो आप हमसे सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक और ट्विटर के जरिए जहां पर इस वक्त हमारा ये शो लाइव है वहां पर आपको कॉमेंट सेक्शन में जाना है और अपने सवाल टाइप करने हैं। अगले आधे घंटे के लिए नीरज चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं और हम कोशिश करेंगे आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों को शो में शामिल कर पाएं। तो मोदी सरकार 2.0 में क्या हो आपकी निवेश की स्ट्रैटेजी, हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं और बारी है मिड कैप फंड्स की। क्या वाकई मिड कैप फंड्स में निवेश करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है? तो नीरज जी बताइए जरा कि आखिरकार मिड कैप फंड्स को चुना जाए तो क्यों चुना जाए? देखिए, हमारा कोई भी जो निवेश होता है उसका कारण होता है कि उसकी वैल्यूएशंस क्या है और उसमें आने वाले समय में क्या पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता है, क्या आपको वो आपके गोल के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है, या आपकी अवधि कितनी है। अगर इन बातों पे हम देखें तो अगर आप पिछला 1 से 1.5 साल देखें तो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी पिटाई हुई है। जो भी उनके सेंसेक्स ने इंडेक्स ने जो रिटर्न्स दी हैं, मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें या स्मॉल कैप इंडेक्स देखें, तो दोनों की रिटर्न्स नेगेटिव में रही हैं और आज की डेट में वो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। आने वाले जो समय है उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आने की संभावनाएं हैं, तो एक वैल्यूएशन जो है अगर हम देख के चलें तो आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है और यहाँ से उनमें रिटर्न्स बनने का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा दिखता है। तो रिटर्न्स का पोटेंशियल जो है उनमें अच्छा है, तो माना जाए कि अगर कम अवधि के लिए नीरज जी निवेश करना है तो क्या मिड कैप फंड्स में निवेश किया जाए? ये पल्लवी, यहाँ पे एक फंडामेंटल सवाल ये है कि क्या कम अवधि के अंदर हमें इक्विटी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो मिड कैप है और स्मॉल कैप है वो दोनों ही इक्विटी फंड्स हैं। तो हम जब भी ये बात करते हैं निवेश की और उसमें हम बात करते हैं कि अगर आपको इक्विटी में निवेश करना है तो कम से कम आपके जो निवेश की अवधि है वो 5 से 7 साल की होनी चाहिए। तो अगर आपको वो पैसा 5 से 7 साल नहीं चाहिए, आपका कोई गोल इसके दौरान नहीं आ रहा है जिसमें आपको अपनी निवेश की हुई राशि को निकालना पड़े, तो आप बेशक मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम की अवधि के लिए आप डालना है तो थोड़ा जोखिम होगा, हो सकता है आपके पैसे बने, हो सकता है आपके पैसे ना बने, इसलिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें जब भी आप निवेश करें। मिड कैप थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप, वोलेटाइल भी ज़्यादा होता है, तो आपको ये बात मद्देनज़र जरूर रखनी होगी जब भी आप निवेश करें। तो निवेश करते हुए इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा। तो क्या हम लंबी अवधि के लक्ष्यों को मिड कैप फंड्स के साथ जोड़ सकते हैं नीरज जी? बिल्कुल जोड़ सकते हैं पल्लवी। अगर आपका कोई भी गोल 10 साल या उसके बाद में है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन जरूर डाल सकते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि जब भी आप अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाओ जो टोटल एसेट एलोकेशन का है, तो ज़्यादा जो उसमें परसेंटेज है वो लार्ज कैप की होनी चाहिए, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आप देखें, अक्सर हम जो मान के चलते हैं 10-20-30-40 का फार्मूला लेकर के चलते हैं। 10% आप स्मॉल कैप लीजिए, 20% आप मिड कैप लीजिए, 30% आप लार्ज कैप लीजिए और 40% आप मल्टी कैप लीजिए, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बना होता है।
इसमें आप थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी वॉलेटिलिटी आप कितनी अब्जॉर्ब कर सकते हैं उसके हिसाब से और अपने गोल्स के हिसाब से। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं यानी कि मिड कैप और अगर स्मॉल कैप फंड्स लेते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। तो रणनीति में किसी तरह के नीरज जी आप बदलाव की सलाह देते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जैसे कर रहे हैं उसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते जाएं? देखिए, अगर आपने पहले स्मॉल और मिड कैप में निवेश नहीं किया तो एक अच्छा समय है उसमें एंटर करने के लिए। अगर आपने स्मॉल और मिड कैप से अपना निवेश निकाल लिया था वैल्यूएशंस के चलते और आज क्योंकि वैल्यूएशंस वापस ठीक लग रही हैं तो आप वापस उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। आप अपना एक पोर्टफोलियो देख लीजिए, अगर उसमें आपका एसेट एलोकेशन 10-20% से ज़्यादा नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर तो आप डेफिनेटली उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप निवेश के लिए जो है फिलहाल मिड कैप फंड्स को चुन सकते हैं। अगर आपका नजरिया लंबे समय के निवेश का है तो बिल्कुल आप इनको चुन सकते हैं। स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने, लेकिन अगर अब तक आपने निवेश की शुरुआत नहीं की है स्मॉल कैप में या मिड कैप में तो आपके लिए सही समय साबित हो सकता है। खैर, कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास फेसबुक और ईमेल के जरिए आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। राहुल कुमार का एक सवाल हमारे पास आया है जिसे हम शामिल करते हैं। म्यूचुअल फंड में ये बताते हैं कि हर महीने करीब 11,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको फंड जुटाना है और साथ ही बच्चों की शादी के लिए भी इन्हें 20 साल में 70 लाख रुपए चाहिए। तो पढ़ाई और शादी के लिए ये 20 साल में 70 लाख रुपए चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनके फंड्स के बारे में आप कुछ राय दीजिए और ये भी बताइए क्या जो फंड्स ये बता रहे हैं इनमें निवेश जारी रखा जाए या नहीं, जिसमें दो इनके पास फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है। तो क्या इन दोनों फंड्स में जो है निवेश जारी रखना चाहिए, कुछ बदलाव की जरूरत है क्या नीरज जी? देखिए, जो दो इनके फंड्स हैं दोनों एक ही असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड हैं, कोटक फंड हाउस है जो। एक इनका मल्टी कैप फंड है जो हर तरीके की इक्विटी के अंदर निवेश करता है और दूसरा जो इमर्जिंग फंड है वो स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर निवेश करता है। दोनों ही फंड अच्छे हैं, लेकिन कभी भी जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो थोड़ा सा डाइवर्सीफाई करें। डाइवर्सीफाई इक्विटी के अलावा AMC भी आप डाइवर्सीफाई करें। जो इनका निवेश है, जो कंट्रीब्यूशन है महीने दर महीने, उससे जो इनकी तयशुदा राशि है, जो गोल जो इनका है अचीव करने के लिए, जो 70 लाख की बात कर रहे हैं, तो वो बड़े आराम से अचीव हो जाएगा। बशर्ते कि अपना डिसिप्लिन को तोड़े नहीं, निवेश को बीच में तोड़े नहीं, निवेश जारी रखें। इसके साथ साथ पल्लवी, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अभी इन्होंने सिर्फ अपने दो ही गोल यहाँ पर बोले हैं। जो एक रिटायरमेंट का इंपॉर्टेंट गोल है उसकी तरफ भी थोड़ी तवज्जो करें, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल माइलस्टोन है, वहाँ के लिए भी इनको पैसा थोड़ा जोड़ना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको जो है इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि आपने अब तक अपना रिटायरमेंट के बारे में अगर नहीं सोचा है तो तुरंत उसकी प्लानिंग जो है शुरू कर दें। हालांकि हालिया निवेश आप अपने बच्चों के लिए जो शादी और पढ़ाई के लिए फंड जुटाना चाहते हैं उसका लक्ष्य आप आसानी से हासिल कर लेंगे। एक दो सवाल हमारे पास फेसबुक के जरिए आए उसे भी शामिल कर लेते हैं। विवेक मेहता का सवाल है, ये बताते हैं कि इनके पास L&T मिड कैप फंड है इनके पोर्टफोलियो में और ये सोच रहे हैं 20 साल के लिए इसमें निवेश करने का, तो क्या ये फंड इनके लिए सही रहेगा? बिल्कुल पल्लवी, 20 साल की अवधि के लिए मिड कैप फंड अच्छा फंड है और L&T एक अच्छा फंड हाउस है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। बीच में कुछ उतार चढ़ाव जरूर रहते हैं, कभी कभी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, कुछ स्टॉक सिलेक्शन नहीं ठीक होते, बट अगर मैं 20 साल की अवधि देखूं तो ये डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो कि इनको एक अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। विवेक जी, L&T मिड कैप फंड में आप बने रह सकते हैं, 20 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें जो है मिल सकता है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, वासुदेव गिरी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है वासुदेव जी आपका। गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा शेयर किया है पोर्टफोलियो। हेलो जी, और मैं ये जी जी वासुदेव जी, और 3 साल मैंने दिया है मैडम, उसमें से एक मुझे सिलेक्ट करना है और ऐड करना चाहता हूँ मेरा पोर्टफोलियो में, तो उसके ऊपर मुझे एडवाइस चाहिए मैडम, कौन सा अच्छा रहेगा मेरे लिए? बिल्कुल, तो मैं नीरज जी आपको बता देती हूँ, वासुदेव जी ने अपना पोर्टफोलियो भी हमारे साथ शेयर किया हुआ है जिसमें ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पिछले 1 साल से निवेश कर रहे हैं 7,000 रुपए और अब ये अपना निवेश 3,000 रुपए और बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि कुल 10,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं। इसके साथ ही इनका प्लान ये है कि हर साल 10% की बढ़ोतरी भी करेंगे। इन्हें 20 से 25 साल में 3 करोड़ रुपए का, 3 से 5 करोड़ रुपए का इनफैक्ट फंड चाहिए। तो
इन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो हालिया बताया उसमें कोटेक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और रिलायंस स्मॉल कैप फंड है, एलएनटी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड है। इसके अलावा इन्होंने तीन अपने शॉर्टलिस्ट फंड बताए हैं जिनमें से एक में ही और निवेश बढ़ाना चाहते हैं, रिलायंस लार्ज कैप, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। तो ये जानना चाहते हैं कि इनके लिए कौन सा फंड जो है ठीक रहेगा और पोर्टफोलियो में क्या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है। देखिए पोर्टफोलियो इनका ठीक है, उसमें थोड़ा सा एलोकेशन स्मॉल और मिड कैप का ज़्यादा है। जो भी हम बात कर रहे थे कि जो आपका एलोकेशन है वो अक्सर मल्टी कैप में या लार्ज कैप में ज़्यादा होना चाहिए, बट आपका जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से स्मॉल और मिड कैप में आपका एलोकेशन ज़्यादा दिखता है। जो आपने तीन स्कीम्स बताई हैं उन तीन स्कीम में मिरे इमर्जिंग ब्लू चिप एक अच्छा फंड है जो लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी में आता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आप उसमें अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। जो आपका एक सवाल ये है कि आप 10,000 रुपये से निवेश करना चाह रहे हैं और उसको 10% प्रति वर्ष उसको बढ़ाना चाहेंगे, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत आप एक अच्छी रकम जुटा सकते हैं। अगर हम इसका मैथ्स करें तो आप रफली 20 साल के अंदर 2 करोड़ के करीब जुटा पाएंगे अगर मैं 12% की रेट ऑफ रिटर्न मान के चलता हूँ, और अगर आप इसको 25 साल तक लेके जाएंगे वही 10% अप्रिसिएशन के साथ ईयर ऑन ईयर, तो कहीं आप 4.5 करोड़ के आसपास पैसा जुटा पाएंगे जो कि एक अच्छी रकम है आपके लिए, आपके किसी भी गोल के काम आ सकती है। नीरज जी के पसंदीदा फंड्स भी जानेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अनिल, उनके पास चलते हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हेलो जी, जी अपना सवाल पूछिए। मैं प्रेजेंटली जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो एबीएसएल इक्विटी फंड में है एंड मेरे को अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, जिसमें मेरे को स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप एंड थीमेटिक फंड को रखना है। तो व्हाट विल यू बी कंसीडर टू गेट द फंड? Hello? बिल्कुल, और थीमेटिक फंड्स में भी आप निवेश करना चाहते हैं। अनिल जी क्या आप मार्केट पर पूरे अच्छे से पकड़ भी रखते हैं? यस श्योर, अभी अभी से जैसे गवर्नमेंट अभी बनी है नाउ द, तो गवर्नमेंट के 5 व्यूज मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है एंड इसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है एंड इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इसमें काफी फोकस मेरे को दिख रहा है। और ब्रॉडली मार्केट अगर देखी जाए तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप 50-20% डाउनसाइड चल रहे हैं और स्मॉल अपना सेंसेक्स एंड निफ्टी 7-8% डाउनसाइड है। बिल्कुल, यानी कि मार्केट पे आप पकड़ अच्छे से रखते हैं, आपको पता है थीमेटिक फंड्स के बारे में। तो नीरज जी अच्छी बात है, जागरूक निवेशक हैं, मार्केट के ऊपर इनकी पूरी नजर रहती है, शायद इसलिए ये थीमेटिक फंड्स के बारे में भी सोच रहे हैं। क्या सलाह देंगे आपने? देखिए अनिल जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है। फंडामेंटली जो आप बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा उससे राय अपनी अलग रखते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप SIP करते हैं तो SIP हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि ये काम कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सी थीम अच्छी है, ये अगर हम फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ें तो बेहतर है, क्योंकि हर एक थीम का एक लाइफ साइकिल होता है। अक्सर देखा यह गया है कि निवेशक उससे बाहर नहीं निकल पाता है जब वो थीम अपना पूरा चल चुकी होती है, क्योंकि उसमें रिटर्न बन रही होती है तो इन्वेस्टर उससे बाहर नहीं आता, वो कहता देखिए कितनी अच्छी रिटर्न आ रही है, और उसका उसके बाद वो उसकी रिटर्न सारी की चली जाती है। अगर आपको थीमेटिक फंड रखना है तो आप उसमें लमसम निवेश कर सकते हैं, और वो भी 5 या 10% से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का नहीं करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का इरादा है। अगर आप इसको ये मान के चलें कि आपको लॉन्ग टर्म में अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपनी एलोकेशन रखें। आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना रिस्क रखना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा जोखिम लेने का मन है तो आप बिल्कुल स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना फिर से वही होगा कि अगर आप 10-20-30-40% का फार्मूला लेकर के चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक एडजस्टेड रिटर्न जो आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो आपकी बनेगी एक बेहतर रिटर्न बनेगी। तो अनिल जी जिस तरह से आपको सलाह दी है नीरज जी ने, आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि निवेश बढ़ाने के लिए और भी बेहतर फंड्स हैं जिनमें मेरा एसेट इमर्जिंग फ्यूचर फंड है या फिर इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा फंड है, आप इनमें भी निवेश कर सकते हैं। खैर अब बारी है कुछ और सवालों को शामिल करने की जो फेसबुक के जरिए हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल हमारे पास है सागर का, ये जानना चाहते हैं कि टाटा कंज्यूमर फंड कैसा है? देखिए टाटा कंज्यूमर फिर वही थीमेटिक फंड है। अगर आप देखें अगर आपका एलोकेशन 5% से ज़्यादा नहीं है, 5% भी मैं हायर साइड पे बोल रहा हूँ किसी भी एक थीम के लिए, तो आप बने रह सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, इसमें भी आप रिटर्न बना पाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मंदी चाल है इसकी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, पिछले 6 महीने साल भर से परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही है कंज्यूमर फंड्स की,
सी कैटेगरी में टाटा थीमेटिक फंड भी, जो आपका कंज्यूमर फंड है वो भी आता है, तो बने रहें अगर आप उसमें बने हुए हैं और 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं है, नहीं तो हमेशा एक बेहतर विकल्प ये होता है कि आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाएं। बिल्कुल सागर जी, ठीक इसी तरह से अगर आप नीरज जी की सलाह को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर भी रहेगा। पंकज कुमार का सवाल शामिल कर लेते हैं, जो मैंने ब्रेक से पहले भी जिक्र किया था, ये आपके पसंदीदा मिड कैप फंड्स जानना चाहते हैं। देखिए अगर आप मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएं तो कुछ अच्छे फंड्स हैं, आप SBI का स्मॉल कैप और मिड कैप फंड देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड है, एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छी देता है। इसी तरीके से आप इन्वेस्को का फंड देख सकते हैं, आप L&T मिड कैप फंड देख सकते हैं और HDFC मिड कैप फंड देख सकते हैं। चारों ही फंड एक अच्छे फंड हाउस से हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इनकी सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। और एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है, कुणाल का। कुणाल बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में करीब 6,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं और 5 साल में इनको 30 लाख रुपए का फंड बनाना है, 10 साल में इन्हें घर के लिए 50 लाख भी चाहिए और पोस्ट ऑफिस में जो है ये RD से भी निवेश भी कर रहे हैं 4,000 रुपए का, 50 लाख का इन्होंने टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, तो पोर्टफोलियो को लेकर जो है राय चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पोस्ट ऑफिस RD को जारी रखने की जरूरत है या नहीं है। पोर्टफोलियो में इनके पास करीब 7 फंड शामिल हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ICICI प्रूव वैल्यू डिस्कवरी फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, DSP ब्लैक रॉक फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ फंड। तो क्या सलाह देंगे आप कुणाल जी को? देखिए अगर हम इसमें पोर्टफोलियो देखें तो DSP ब्लैक रॉक फंड को छोड़कर के बाकी फंड सारे ठीक हैं। DSP में अभी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, कुछ कई सारे कारण हैं उसके, तो बेहतर होगा ये अगर इसे स्विच करके किसी दूसरे फंड में चले जाएं। जो इनका गोल है वो गोल थोड़ा अचीव करना मुश्किल है, इनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इनको कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा अपना अगर इनको गोल सीरियसली अचीव करना है। और अगर अभी वो इतने पैसे नहीं जुटा सकते हैं, नहीं निवेश कर सकते हैं, तो जैसे हमारे पीछे कॉलर ने एक अप्रोच रखी है जिसको हम स्टेप अप अप्रोच बोलते हैं, हर साल उस अपने कंट्रीब्यूशन के बढ़ा लें तो ये अपने गोल के नज़दीक जरूर पहुँच सकते हैं। तो ये दो काम अगर करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गोल के पास जरूर पहुँचेंगे और एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी अच्छी बना पाएंगे। बिल्कुल, तो अगर आप किसी तरह से कुणाल जी निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और समय समय पर जब भी आपको मौका लगे अपना निवेश जो है वो जरूर बढ़ाते रहिएगा। कुछ और भी सवाल शामिल कर लेते हैं फेसबुक के जरिए। सुरोजीत का हमारे पास एक सवाल आया है, वो जानना चाहते हैं कि कोई नया निवेशक है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, तो उसको किस तरह के फंड्स चुनने चाहिए? देखिए कोई भी अगर नया निवेशक है, पहली बात तो वो अपना गोल जरूर डिसाइड करे कि उसको किस गोल के लिए वो पैसे जोड़ने हैं और वो गोल कितनी अवधि के बाद आना है उसके लिए। अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो उसमें इक्विटी में निवेश ना करें, अवॉइड करें इक्विटी। अगर उनका गोल 5-7 साल 10 साल के बाद में है तो डेफिनेटली इक्विटी में करें, क्योंकि अगर पहली बार आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं वॉलेटिलिटी उसमें ज़रूर रहेगी, तो आप एक मल्टी कैप से या लार्ज कैप से शुरुआत करें वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ देखें, रिटर्न्स की तरफ ना जाएं। जब आपको थोड़ा सा तजुर्बा हो जाए और आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझने लगे तो आप अपना एलोकेशन धीरे धीरे स्मॉल और मिड कैप में बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो सुरजीत जी आपके लिए सलाह यही है कि मिड कैप या स्मॉल कैप में जब निवेश करना चाहेंगे तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जरूर बढ़ा लीजिएगा। कौशिक का सवाल है, ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड मल्टी कैप लिया हुआ है, मल्टी कैप फंड्स के बारे में ये बेसिकली राय चाहते हैं, तो क्या सलाह देंगे? मल्टी कैप फंड्स जो है वो किस तरह के निवेशकों के लिए सही रहते हैं? देखिए मल्टी कैप फंड हर उस निवेशक के लिए अच्छा है जो इक्विटी में निवेश करना चाहता है, बहुत ज़्यादा उसको इक्विटी की नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानता है कि उसको स्मॉल कैप में लेना चाहिए, मिड कैप में या लार्ज कैप में लेना चाहिए, बाजार किस तरफ रुख करेगा, तो ऐसे में ये जो पूरा निर्णय है ये फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कोटक म्यूचुअल फंड की मल्टी कैप फंड की बात करें तो वो कैसा रहेगा इनके लिए? कोटक मल्टी कैप फंड एक अच्छा फंड है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छी है, तो आप उसमें बने रह सकते हैं, पैसा और लगा सकते हैं। तो कौशिक जी आप इस फंड में बने रह सकते हैं, आपके लिए यही सलाह है। अच्छा नीरज जी, जब आपने अपने पसंदीदा फंड्स का जिक्र किया था जिसमें SBI स्मॉल कैप फंड था, HDFC मिड कैप फंड भी था, इनका अमूमन जो रिटर्न होता है वो कितना मिलता है, किस तरह के निवेशकों को आप सलाह देंगे इन फंड्स में निवेश के लिए? देखिए अक्सर हमने ये देखा है कि जो स्मॉल और मिड कैप का रिटर्न है वो 14% प्लस रहता है अगर आपकी जो निवेश है वो 7-8 साल के करीब का निवेश है। सबसे नीचे पायदान पे जो इक्विटी में आता है वो लार्ज कैप अक्सर आता है, बट पिछला 1-1.5 साल अगर आप देखें तो ये उल्टा हुआ है, लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है मिड कैप और स्मॉल कैप को, जिसकी वजह से आज हम बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप का जो वैल्यूएशन है वो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है।
तो अगर आप देखें कहीं ना कहीं 12-14% के आसपास रिटर्न ये जनरेट कर सकते हैं लंबी अवधि में। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए आप इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं और आपको ये भी देखिए कि इनमें आपको रिटर्न जो है वो अच्छा मिल सकता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह से मिड कैप फंड्स में निवेश करना उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही।